अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ लेडीज़ वुमेन गर्ल्स के लिए कैजुअल एंड सिंपल सी शर्ट्स के डिज़ाइन। ईद के मौके पर समर कलेक्शन के हवाले से आज की डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी है। लेडीज़ और वुमेन्स के लिए सिंपल शर्ट और गर्ल्स के लिए हल्की फुल्की सी डिज़ाइन वाले फ्रॉक स्टाइल शर्ट नुमा फ्रॉक हैं। ये तमाम फ्रॉक शॉर्ट फ्रॉक टॉप फ्रॉक बहुत ही कंफर्टेबल से हैं और मौसम गर्मा के हवाले से तो बहुत ही सिंपल हवाले से यानी कि बहुत अच्छे से हैं, खूबसूरत से हैं और स्टाइलिश भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, पेपलम फ्रॉक भी हैं। जो आपको अच्छा लगेगा इसमें से वो आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। इस तरह के फ्रॉक बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। कुछ लोगों को इस तरह की फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग बनवाना बहुत पसंद होती है। बारीक बारीक प्लेट्स वाली फ़्रॉक तो कुछ लोगों को बहुत ही पसंद होती है कि बारीक बारीक प्लेट्स में डली हुई हों तो वो फ़्रॉक बहुत ही कीमती सा बन जाता है। अक्सर ब्रांडेड स्टफ़ में जो ब्रांड हम लेते हैं, रेडीमेड सूट जिसको कह सकते हैं आप, उसमें इतनी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है लाजमी। और लाजमी कुछ फ्रॉकों में, शर्ट्स में, टॉप में अप डाउन फ्रॉक भी होते हैं। आज इसीलिए मैंने तमाम डिज़ाइनिंग आपको दिखाई कि जिनको टॉप पसंद है वो टॉप बना सकते हैं यानी कि शॉर्ट फ्रॉक शॉर्ट शर्ट, और जिनको लॉन्ग पसंद है वो लॉन्ग भी बना सकती हैं। ईद के मौके पर अक्सर लड़कियाँ हों या औरतें लेडीज़ यानी कि हाउस वाइफ, वो हल्का फुल्का सा तो फैशन करना उनका हक बनता है ईद वाले दिन, तो वो चाहती हैं हमारा जो ड्रेस आया है या हमारे भाई ला कर दिए, भाइयों ने ला कर दिया है, वालिद ने ला कर दिया, हस्बैंड ने ला कर दिया है, अपने इतने प्यार और खलूस से दिलवा कर लाए, हमें शॉपिंग करवा कर लाए, तो वो ड्रेस हमारा बहुत ही प्यारा सा लगना चाहिए ईद वाले दिन, ताकि हम उनकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी सी भी बनवा लें। अगर वो रेडीमेड लेकर आई हैं तो कोशिश करती हैं उस दिन पहले दिन नमाज के टाइम वही ड्रेस पहने। शॉर्ट फ्रॉक या शॉर्ट शर्ट के साथ नमाज पढ़ना इतना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग नमाज के बाद ये शर्ट्स ड्रेस अपने मेहमानों के सामने या कहीं जाते हुए ज़रूर पहनते हैं। लेकिन लॉन्ग शर्ट हो, लॉन्ग फ्रॉक नुमा शर्ट हो, सिंपल कैजुअल की तरह शर्ट हो, वो ईद वाले दिन बहुत ही प्यारी सी लगती है और लगनी भी चाहिए कि हल्के फुल्के से ड्रेसेस नॉर्मल दुपट्टे के साथ तो और भी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन दुपट्टा मैचिंग का बहुत ही प्यारा लगता है। ये तो मॉडल्स हैं, वो आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग दिखाना चाह रही हैं, इसलिए इतना दुपट्टे को नुमाया नहीं करती हैं, सिर्फ शर्ट्स की डिज़ाइनिंग नुमाया कर रही हैं ताकि इनके ड्रेसेस ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाएं। कुछ लोगों का एतराज़ होता है ये ड्रेस ना दिखाया करें, हम ऐसे नहीं पहनते, तो देखें अपनी शख्सियत के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक आप पहना करें ड्रेसेस। ज़रूरी नहीं जो हम ड्रेस दिखाते हैं सेम आप उनकी ही नकल करें, उनको पिक करें। आप अपने माहौल के मुताबिक, अपनी शख्सियत के मुताबिक ड्रेसेस को पहना करें, बनवाया करें, लिया करें, ताकि आप पर शख्सियत का बहुत असर पड़ता हो, उसके हिसाब से आप ड्रेस बनाया करें। तो कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर। इसमें मिक्स डिज़ाइनिंग मैंने इसीलिए दिखाई कि किसी को कोई एतराज़ ना हो, जिसको जो पसंद हो ड्रेस कम्फर्टेबल ईद के हवाले से, वो इस तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है, कैसी लगी इसलिए पूछती हूँ ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों को किस तरह के ड्रेस पसंद है और आप किस किस तरह के ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर भी लेके आती रहूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी आइडियाज़, वीडियो और ट्यूटोरियल्स भी। अब कोशिश करूँगी आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँ और न्यू, ताकि आपको चेंज आइडियाज़ मिलें और बहुत प्यारे से भी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।